गणपति आज एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ अपने चैनल गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी पर, और सब आप लोग माँ गणेशाय नमः कहिए, गणपति बप्पा को नमस्कार करिए। जाते जाते मेरे चैनल पर आप गणपति बप्पा को नमस्कार यानी महागणपति नमः लिखें। और देखिए मेरा निवेदन है कि मेरी चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखिए जाते जाते गणपति बप्पा को नमस्कार करेंगे, अगर महागणेशाय नमः लिखेंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देखिए मित्रों मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, चर्चा से पहले आपको एक बार पुनः नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर, अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों देखिए मेरा विषय क्या है, मैं अभी चर्चा करूँगा। देखिए मंगल देव इस समय बकरी गत से चल रहे हैं, बकरी गत से मंगल चलते चलते आज देखिए 22 दिसंबर है, अभी बकरी रहेंगे कई दिन तक। बकरी जब मंगल या कोई ग्रह बकरी होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी बकरी का मतलब ये नहीं उल्टा, उल्टा तो कोई चलता ही नहीं, ग्रह तो सीधा ही चलता है, पर उसकी स्पीड जो है धीमी हो जाती है। स्पीड धीमी का मतलब आपके सापेक्ष, आप तो आगे बढ़ रहे हैं पृथ्वी के साथ, इसकी स्पीड तेज है, अगर ग्रह की स्पीड कम हो जाती है तो आपको पृथ्वी से लगता है ग्रह पीछे को जा रहा है, वही बकरी गत कहलाती है। तो मंगल अभी इतनी धीमी गति में है कि हमको पीछे को जाते लग रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बकरी बकरी गति जो है थोड़ी धीमी होती है, तो जैसा मेरा अपना ख्याल है, और लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, लेकिन मेरा अपना ज्योतिष के हिसाब से ये ख्याल है कि बकरी गति धीमी गति होती है तो वो ग्रह को आपसे इंटरेक्शन का टाइम बढ़ जाता है। अगर फास्ट ग्रह जा रहे हैं तो आपका पृथ्वी के इंटरेक्शन का टाइम कम रहेगा, जल्दी से उसकी वेव्स आएंगी या इंटरेक्शन होगा और वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन स्लो ग्रह चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है, तो उसका वेव्स जो आई पृथ्वी पर और आपके इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया, तो इंटरेक्शन टाइम बढ़ गया तो असर ज़्यादा हुआ। मेरे हिसाब से तो बहुत से और ज्योतिष नहीं मानते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो बकरी ग्रह ज़्यादा बली होता है। वो अलग बात है कि मार्गी ग्रह तेज चलता है तो उसके असर इफेक्ट तेज तेज होते हैं, जल्दी जल्दी असर देता है, लेकिन बकरी ग्रह जो स्लो चल रहा है, लग रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन सोच धीमी गति से है तो उसके वेव्स को इंटरेक्शन का टाइम बढ़ जाता है आपको पृथ्वी से, और पृथ्वी तक उसकी वेव्स आती हैं, और जितना वो धीमे चलेगा तो उसका असर भी ज़्यादा होगा। सो इंटरेक्शन टाइम बढ़ने से उस बकरी ग्रह को मैं ज़्यादा बली मानता हूँ। और अब इस समय बकरी चलते चलते मंगल युवावस्था में आ चुके हैं, बकरी चल रहे हैं तो यानी 30 डिग्री से कम हुए 29 ऐसे 28 27 से पीछे आते गए, तो अब 18 17 15 के आसपास युवावस्था में जवान हैं। तो अभी जब तक ये 13 जनवरी तक रहेंगे बकरी, और 13 जनवरी को हो जाएंगे मार्गी, और फिर मार्गी आगे चलेंगे तेजी गत से, और तेजी गत से फिर वो आगे चल के 13 मार्च को जाकर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, पर अभी तो वृषभ राशि में ही हैं, बकरी हैं, 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो फिर स्पीड बढ़ जाएगी उनकी, तो इंटरेक्शन टाइम कम होगा, फिर असर तो तब भी देंगे उतना ही असर, अभी अब थोड़ा बकरी में ज़्यादा असर देते हैं, और इस समय उनकी अवस्था भी जवान है। फिर जब मार्गी होंगे तो फिर बचपन से स्टार्ट करेंगे, फिर जब जवान होंगे तब ज़्यादा असर करेंगे, फिर वृद्धावस्था में आएंगे, तो ये मतलब उनका अंश बल बढ़ता जाता है, डिग्री जो है 30 डिग्री तक 6 6 18 6 12 18 इस तरह से 24 30, तो 6 6 डिग्री के हिसाब से लगा लीजिए, बालपन है, फिर थोड़ा सा युवावस्था आई, जवानी आई, तो अभी 17 18 15 ये जो है 18 17 जवान अवस्था में है। तो मंगल इस समय बहुत युवावस्था में है, तो ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा बलशाली हैं, और ज़्यादा इफेक्ट देने वाले हैं, और बकरी हैं तो और ज़्यादा इफेक्ट देने वाले हैं। तो अभी 13 जनवरी तक जब तक मंगल मार्गी नहीं हो जाते
और युवावस्था में ही रहेंगे अभी तो युवावस्था में मंगल बलशाली है, बकरी हैं, 13 जनवरी तक तो अब से अक्षुक अब इस समय जवान अवस्था में आए तो ज़्यादा ही असर देंगे कुछ राशियों को। तो देखिए कुछ राशियों को विशेष लाभ मंगल का मिलेगा, तो ऐसी कौन सी राशियां हैं और किस राशि को कहां बैठ करके बकरी मंगल 13 जनवरी तक जब तक वो मिथुन राशि में नहीं आते किस किस को अच्छा फल किस किस को ज़्यादा फल दे रहे हैं तो वही चर्चा मुझे करनी है। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा और जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल सेलेक्ट कीजिए। और देखिए गणपति जब जाएँ तो कमेंट्स में माँ गणेश आए नमः लिखें। तो देखिए पहली राशि मेष राशि, मेष राशि के लिए मेष राशि कहाँ है लग्न में है, मंगल वृषभ राशि कहाँ है धन भाव में है, तो धन भाव के मंगल मेष राशि को धन से तो लाभ दिला ही रहे थे और जब बकरी है और युवावस्था में आ गए तो और लाभ दिलाएंगे, तो मेष राशि को तो बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है, धन की मात्रा बढ़ गई और सुख की मात्रा बढ़ गई। देखिए मंगल जो है द्वितीय भाव में धन भाव में बैठ करके चतुर्दशी जाएगी उनकी पंचम भाव पर और एक दशी जाएगी नवम भाव पर भाग्य भाव पर जो अच्छी हो, एक जाएगी अष्टम भाव पर। तो देखिए पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि बली मंगल बलशाली मंगल बकरी मंगल युवावस्था के मंगल मेष राशि को धन भाव में बैठ करके संतान भाव को देख रहे हैं, तो संतान की शिक्षा का असर, संतान की परीक्षाओं का असर, संतान की तरक्की प्रेम प्रसंग, संतान को सब अच्छी तरह से लाभ, संतान को उत्तरोत्तर परीक्षाओं में अच्छे अंकों से, संतान को जॉब का पत्र आ सकता है, संतान की अच्छी जगह पर मतलब संतान के प्रति अच्छा समाचार मिल सकता है, संतान को भला अच्छा ही होगा जो कुछ भी आगे आने वाले में 13 जनवरी तक, तो संतान को और अच्छा प्रबल मंगल अगर संतान की राशि कुंडली में देखें तो कैसा मंगल कहाँ है और आपकी भी जन्म कुंडली में कैसा मंगल है, अभी तो गोचर में मंगल बता रहा है ये वृषभ मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में बैठा हुआ मंगल बकरी और युवा, तो अभी तो आपको जो है ये बता रहा है कि हाँ बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी अच्छा है ऐसा तो शर्तिया लाभ होगा और संतान को लाभ होगा। और नवे भाव में भाग्य वर्धन होगा, भाग्य वर्धन हुआ तो क्या हुआ भाग्य बढ़ेगा तो क्या भाग्य बढ़ने का मतलब पैसा आना, भाग्य का बढ़ने का मतलब क्या था भाग्य अच्छा है, अरे भाग्य अच्छा है तो उसका मतलब उसको हर चीज़ मिल रही है, सुख मिल रहे हैं, सुख साधन मिल रहे हैं और पैसा मिल रहा है, तरक्की मिल रही है नौकरी में भी, भाग्य बढ़ने का मतलब ये नहीं भाग्य बढ़ गया, अरे भाग्य बढ़ गया तो क्या मिला, पैसा ही मिलेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, प्रोन्नति मिलेगी, पद सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, भाग्य बढ़ने का मतलब सभी कुछ बढ़ेगा। तो मेष राशि वालों को तो बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि धन भाव के मंगल, धन तो देंगे ही, परिवार कुटुंब में सब सहयोग मिल रहा है, परिवार के सब लोग साथ एकदम साथ हैं, कोई अलग दूर नहीं है। और देखिए धन मिलने के साथ साथ फिर पंचम भाव से संतान को लाभ है, नवम भाव से भाग्य वर्धन है, अष्टम भाव से भी देखिए आपकी एज जो है बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, आपको गुप्त धन से कुछ लॉटरी से सट्टे से पैसा मिल रहा है, गुड़ विद्याओं का ज्ञान मिल रहा है, ज्योतिष से फायदा हो रहा है, अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपका ज्योतिष का काम अच्छा हो रहा चलेगा, जैसा व्यवसाय है आपका उसके हिसाब से गुड़ विद्याओं से धन मिलेगा। तो मंगल के लिए तो ये मंगल का तो जो विपरीत बकरी अवस्था और युवावस्था होना 13 जनवरी तक तो मेष राशि के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। अब देखिए दूसरी राशि जो है वृषभ, वृषभ राशि के लिए तो लग्न में ही होगा, तो लग्न में बैठ करके मंगल लग्न को बलशाली व्यक्तित्व को सुंदर बना रहे हैं, जातक को हृष्ट पुष्ट काया रोग रहित शरीर बीमारी खत्म। और मंगल की देखिए मंगल जब बैठेंगे लग्न में वृषभ राशि के लिए तो दृष्टि जाएगी चौथे पे, सातवें पे, आठवें पे, तो चौथा भाव सुख का भाव है, तो मंगल भूमि पुत्र मंगल चौथे भाव में देख रहे हैं,
तो भूमि भवन मकान तो दिलाएंगे, दिलाएंगे गाड़ी बंगला दिखाएंगे सब। वृषभ राशि के लिए तो लाभ कर रहे हैं, सुख साधनों का कोई कमी नहीं रहेगी, सारे सुख साधनों को दिलाएंगे मंगल। और देखिए वृषभ राशि के लिए सातवें भाव में आठवें भाव में, तो सातवां भाव पति पत्नी का भाव, परिवार का, कुटुंब का भाव, व्यापार का भाव, तो सातवें भाव से भी व्यापारी सहयोगी पार्टनर से सहयोग मिलेगा। और देखिए सप्तम से पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहेगा, बहुत ही बढ़िया चल रहा है मामला। और देखिए अष्टम पर दृष्टि पड़ेगी, तो मैंने बताया गूढ़ विद्याओं का ज्ञान और गूढ़तम आपको छिपा हुआ पैसा जो मालूम नहीं है, जैसे अचानक से पैसा सट्टे से लॉटरी से मिल जाए, अचानक से शेयर मार्केट से लाभ हो जाए, अचानक से इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, ऐसे पैसे जो हैं गुप्त पैसे होते हैं वो मिल सकते हैं। तो मेष राशि के साथ साथ नंबर एक नंबर दो वृषभ राशि भी बहुत लाभ पा रही है। और देखिए जो राशियां लाभ पाएंगी मैं उनकी बताऊंगा, सब राशियों की चर्चा नहीं करूंगा फिर तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो लाभ पा रही हैं तो मेष राशि, वृषभ राशि और तीसरी राशि देखिए कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ग्यारहवें भाव में लाभ भाव में मंगल आ गए, तो लाभ भाव के मंगल लाभ ही तो देंगे भाई। लाभ का मतलब क्या होता है, धन देंगे, धन देंगे, पैसा, सुख संपत्ति। और देखिए वहाँ से बैठ रहे हैं और दृष्टि पड़ रही है दूसरे पे, पांचवें पे, छठे पे, ग्यारहवें भाव से दृष्टि दूसरे पे। दूसरा भाव कौन सा, धन का भाव है, तो फिर धन मिलेगा। और धन के बाद देखिए कर्क राशि के लिए पांचवा और छठा, पांचवा संतान का भाव, परिवार का, संतान का, संतान को सुख, संतान को तरक्की, संतान से अच्छा समाचार मिलेगा। छठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, बीमारी भाग जाएगी। और देखिए शत्रु तो बिल्कुल सकल दिखाएंगे नहीं, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है वो जीत जाओगे, बीमारियां भाग जाएंगी, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। तो भाई बहुत ज़बरदस्त कर्क राशि वालों के लिए लाभ भाव में बैठ करके धन भाव को दिख रहे हैं, संतान भाव को दिख रहे हैं और छठे भाव को दिख रहे हैं, तो बहुत कर्क राशि के लिए अच्छा है। और सिंह राशि के लिए फिर देखिए दसवें भाव से, दसवां भाव कर्म क्षेत्र का भाव, व्यापार का भाव, तो सिंह राशि वालों को तो कर्म क्षेत्र से मंगल बैठ करके कर्म में तरक्की, यानी नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, सरकारी कामों में तरक्की, पैसा मिलेगा, काम नहीं है तो काम आएगा। और आपको हो सकता है अगर नौकरी में है तो उन्नति मिलेगी, ट्रांसफर हो सकता है, वहाँ पैसा बढ़ जाएगा, ट्रांसफर होगा तो तरक्की पैसे के बढ़ने के साथ होगा। वरना सिंह राशि के लिए कर्म क्षेत्र में बैठ करके और सामने दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पे, तो सुख के कारण, सुख के साधन, सुख साधन में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से मंगल को आपको लाभ कराएंगे, जमीन बिकेगी, कोई मकान बेचना है, कोई बंगला बेचना है, गाड़ी बेचनी है या खरीदनी है, तो सब में लाभ मिलेगा। तो चौथे भाव से लाभ मिलेगा और पाँचवें से परिवार संतान को भी लाभ मिलेगा, संतान से भी लाभ मिलेगा, संतान से कोई अच्छा पत्र, संतान के बारे में कोई अच्छी समाचार आ सकता है। तो सिंह राशि वालों को तो दसवें भाव में बैठकर मंगल, बहुत बलवान युवा मंगल हो गए, तो सब तरह से लाभ दे रहे हैं। और दृष्टियाँ जो पड़ रही हैं उनकी, वो भी सिंह राशि वालों को, पहले देखिए चौथे भाव से तो सुख मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त, और एक पहला भाव, चौथा भाव और छठा भाव, दसवें भाव से चौथी दृष्टि पड़ी पहले भाव पर, फिर सातवीं दृष्टि और फिर आठवीं दृष्टि, तो सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर, आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर, तो संतान को भी लाभ, सुख साधनों भी लाभ, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा। और देखिए लग्न पर जो दृष्टि पड़ रही पहले भाव पर, तो जातक शरीर, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, तो सिंह राशि वालों को भी सब मिल गया, सुंदर शरीर मिल गया, लाभ ही लाभ मिल गई ग्यारहवें भाव से, सुख भाव से सुख साधन मिल गए और पंचम भाव से संतान को भी लाभ मिल गया, और क्या चाहिए भाई। तो सिंह राशि भी बहुत बढ़िया लाभ पा रही है। और अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए नवम भाव में आगे मंगल, यानी भाग्य में आप आगे, भाग्य आगे तो भाग्य तो बढ़ ही गया, भाग्य बढ़ते ही भाग्य बढ़ते ही सब कुछ मिल गया, क्यों भाग्य बढ़ गया तो क्या रहा, धनी धन मिल गया। तो भाई कन्या राशि वालों को तो धन मिलेगा, भाग्य बढ़ेगा तो नौकरी पेशा में तरक्की मिलेगी। और देखिए चौथे भाव से सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, सुख साधन मिलेंगे। तीसरे भाव में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा पर लाभ तो मिलेगा, भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा
और देखिए छोटे भाई बहन लाभ करेंगे, और देखिए यात्रा अगर करनी पड़ी तो यात्रा से लाभ मिलेगा जबरदस्त सिंह राशि वालों कन्या राशि वालों के लिए। बारहवें भाव में दृष्टि पड़ी तो विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश से पैसा मिलेगा, विदेश से आपका व्यापार या नौकरी है तो वहाँ से लाभ मिलेगा, विदेश जाना भी पड़ सकता है नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में, तो कन्या राशि वालों को भी लाभ मिल रहा है। कन्या राशि के बाद जो राशि आती है वो देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव में मतलब ये मंगल आ गए, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव, तो पति पत्नी का अच्छा संबंध, व्यापार के जो सहयोगी है पार्टनर से अच्छा संबंध, व्यापार में तरक्की मिलेगी, पति पत्नी में तरक्की मिलेगी। सप्तम में बैठे हैं और दसवें में पहले में दूसरे में दृष्टि जा रही है, तो सप्तम से दसवें में दृष्टि गई, कर्म क्षेत्र में लाभ मिल गया, नौकरी में व्यापार में तरक्की मिल गई, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल गया, पैसा बढ़ गया। दसवें में वृश्चिक राशि को भी बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि सप्तम में बैठ करके फिर दसवें में दृष्टि गई और पहले में लग्न में और धन भाव में, धन भाव में गई तो धन आ गया, धन आया अच्छी तरह से, परिवार में सुखी परिवार के कुटुंब के लिए सब सहयोग करेंगे, धन आएगा। और देखिए धन आने का मतलब तो सब कुछ मिल गया, और लग्न पर दृष्टि गई तो लग्न जातक बलवान, शरीर निरोगी काया हो गई, और क्या चाहिए भाई आपको। और कर्म क्षेत्र में दृष्टि पड़ी तो कर्म क्षेत्र में व्यापार में लाभ हुआ। तो भाई ये तो वृश्चिक राशि वालों की बल्ले बल्ले हो रही। अगली राशि मकर। मकर के लिए पंचम भाव में संतान भाव में बैठे हैं मंगल, और अष्टम में और ग्यारहवें में बारहवें में दृष्टि जा रही है, तो ग्यारहवें की दृष्टि देख लो, ग्यारहवें गए क्योंकि मंगल बैठ गए पंचम में, संतान को लाभ दिला दिया, प्रेम प्रसंग में लाभ दिला दिया, संतान की तरक्की हो गई, संतान को जॉब अच्छा नौकरी का पत्र आ गया, और लाभ भाव में दृष्टि गई तो लाभ ही लाभ मिल गया। बाकी दोनों घर जो है आठवां बारहवां वो ज्यादा अच्छे नहीं है, बारहवां घर विदेश का है तो विदेश में खर्चा तो होगा लेकिन लाभ भी मिलेगा विदेश से। आठवें में जो है गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, लॉटरी से, सट्टे से, जुए से, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस से, कहीं से पैसा मिल सकता है। लेकिन ये देखिए मकर राशि वालों को पंचम भाव से यानी संतान के भाव में बैठे हैं मंगल, और अष्टम और ग्यारहवां बारहवां, तो ग्यारहवें से धन लाभ यानी लाभ ही लाभ है, तरह तरह का व्यापार में नौकरी में सब तरह के लाभ होंगे तभी तो पैसा आएगा। और देखिए अगली राशि जो अच्छी पा रही है राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चौथे भाव में मंगल आ गए, चौथा भाव सुख का भाव है, मंगल भूमि पुत्र है, सुख के भाव में आकर सुख तो देंगे ही, भूमि से सुख देंगे, बंगला गाड़ी से सुख देंगे, जमीन बिकवाएंगे, बंगला दिलवाएंगे, मकान दिलवाएंगे। और देखिए सातवें में दृष्टि गई दसवें पे और ग्यारहवें पे, तो सारे घर बढ़िया हैं, सप्तम भाव दसवें भाव ग्यारहवां, ग्यारहवां लाभ ही लाभ, दसवां नौकरी में व्यापार में तरक्की, सातवां परिवार पति पत्नी व्यापार में कुटुंब में और सहयोगी पार्टनर सब तरक्की। तो देखिए सबसे बढ़िया कुंभ राशि को सुख भाव में बैठ करके कर्म क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, और सप्तम में और ग्यारहवें में भी लाभ भाव में और नौकरी में भी, तो कुंभ राशि का तो बहुत ही बढ़िया है भाई। तो मंगल जो है बकरी गति वाले मंगल, स्लो चलने वाले लेकिन बली मंगल, युवावस्था के मंगल, 15-16-17 डिग्री वाले मंगल, अब जैसा टाइम बढ़ेगा अभी 17 के डिग्री के हैं तो 15 तक पहुँचेंगे मान लीजिए, तो जवान ही रहेंगे वो, जब तक वो बकरी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में जवान ही रहेंगे, मतलब बकरी अवस्था में 13 जनवरी को जब जाएंगे फिर मार्गी हो जाएंगे, तब फिर मार्गी होकर के फिर चलेंगे आगे तो फिर मिथुन में पहुँच जाएंगे 13 जनवरी को। तो अब से लेकर के 13 जनवरी तक बकरी मंगल बलशाली मंगल देखिए कुछ राशियों को तो विशेष लाभ दे दिया, तो मैं समराइज कर दूँ, देखिए मंगल की कृपा पाने वाली राशि कौन सी है दोबारा बताऊँ, आप वो राशि वालों नोट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके गणपति बप्पा नमः लिखें, माँ गणेशाय नमः लिखें और आराम करें। देखिए मेष राशि वाले बल्ले बल्ले हो रही है, मेष राशि वृषभ राशि कर्क राशि सिंह राशि कन्या राशि, और देखिए वृश्चिक राशि मकर राशि और कुंभ राशि, मेष वृषभ कर्क सिंह कन्या वृश्चिक
मकर, कुंभ, तो ये 8 राशियां हैं भाई जो जवान मंगल से विशेष लाभ पा रही है, धन पा रही है, सुख पा रही है, पैसा पा रही है, संतान की तरक्की पा रही है, नौकरी में तरक्की पा रही है। तो मित्रों ये तो बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। मंगल, बकरी मंगल अब से यानी 22 दिसंबर से, अब तो आज से ही समझ लीजिए जवान हो गए, डिग्रियां उनकी जवान की आ गई। तो जवान मंगल 17 डिग्री से लेकर चले मंगल, और जवान है बिल्कुल, और 17 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक चलेंगे, मान लीजिए 16 डिग्री तक, 17, 16, 15, 14। तो जवान मंगल, बकरी मंगल, बलशाली मंगल, 8 राशियों को जैसे मैंने बताया विशेष कृपा दे रहे हैं 13 जनवरी तक। 13 जनवरी को फिर तब भी देंगे कृपा, पर मार्गी हो जाएंगे 13 जनवरी को, रहेंगे इन्हीं राशियों को, फायदा फिर भी देंगे और इतनी जल्दी डिग्री बदलने जाएंगी। तो 13 जनवरी को तो 13 जनवरी तक तो 15 डिग्री तक मान लीजिए, 14 डिग्री तक बलवानी रहे, उसके बाद फिर मार्गी हो जाएंगे, तो फिर आगे इन्हीं राशियों को फिर देंगे लाभ, पर लाभ की मात्रा थोड़ा कम ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि बकरी से मार्गी हो गए तेज चलेंगे तो तेज तेज लाभ देंगे, लेकिन उनका बल उतना कम नहीं रहेगा जितना बलशाली अभी है। तो मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और देखिए ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके ऑल सेलेक्ट कर लो, तो मेरे सूचना वीडियो की अपने आप पहुँच जाएगी। और जाते जाते कमेंट में भगवान गणेश को याद करिए, गणेश आय नमः लिखेंगे तो गणेश भगवान आपको आशीर्वाद जरूर देंगे मित्रों। तो मित्रों नमस्कार।